नमस्कार दोस्तों, आज हमारा तीसरा पार्ट प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले हमारे दो पार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूँ कि जो पहला पार्ट था उसमें हमने इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का वर्गीकरण, है ना, इसके बारे में हमने जाना। और दूसरे पार्ट में हमने जो इतिहास का वर्गीकरण का जो पहला पार्ट है ये वाला प्रागैतिहासिक या पाषाण काल जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। ये हमारा दूसरे पार्ट में पूरा हो गया और अब दो पार्ट यहाँ पर बचते हैं, एक आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो फर्स्ट वीडियो में इतिहास का जो हमने वर्गीकरण किया वो ये इतिहास का, पूरे इतिहास का, आज से लेकर के और आज से पहले का जितना भी समय है, लाखों करोड़ों साल तक, वो सारा इतिहास है। तो उसको हमने पूरे को तीन भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण काल था वो था, उसको भी हमने फिर तीन भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा पूरा हो गया और उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आता है और उसके बाद में ऐतिहासिक काल आता है। लेकिन यहाँ पर बीच में, ठीक है दोस्तों, जब पाषाण काल लगभग समाप्त होने को होता है और आद्य ऐतिहासिक काल जब प्रारंभ होने को होता है, तो इसके बीच में यहाँ पर कुछ हजार साल का एक समय है। और ये वो समय है जब पाषाण काल मतलब पत्थर का युग धीरे धीरे ख़त्म हुआ, पत्थर की जो महत्ता थी जीवन में, मानव के जीवन में, वो कम होने लगी, क्योंकि उस समय कुछ धातुओं का जो है वो आविष्कार हो गया, जैसे तांबा है, कांसा है, लोहा है, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद में हम आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन सी धातु का मानव ने प्रयोग किया, तो यहाँ पर आएगा तांबा, ठीक है दोस्तों, तांबा सबसे पहले यूज किया। लेकिन तांबे में दोस्तों दिक्कत ये थी कि तांबा जो है एक नरम धातु होती है और इसके जब औजार बनाए जाते हैं तो वो क्या है, बड़ी आसानी से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, क्योंकि नरम धातु है। तो यहाँ पर मानव के लिए थोड़ी दिक्कत थी कि जब उससे वो शिकार करते थे तो उनके औजार जो है वो एक या दो बार प्रयोग में लेने के बाद में वो ख़राब हो जाते थे, तो उनको एक मजबूत धातु की ज़रूरत थी। तो इसलिए तांबे में, ठीक है, तांबा इसमें जस्ता दोनों को मिला करके और यहाँ पर एक नई धातु बनाई, मिश्रित धातु, जिसका नाम है कांस्य या कांसा भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो समय था ये हमारा ताम्र युग या कांस्य युग कहलाता है। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे लोह युग आया, ठीक है। तो पाषाण काल के बाद में कौन सी सभ्यता आती है, ताम्र पाषाण काल या ताम्र सभ्यता। देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से कि इसको हमने तीन भागों में बांटा। तो पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल तीसरा था नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में फिर आती है हमारे ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता और उसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आद्य ऐतिहासिक काल इसे क्यों कहा गया है। देखिए, यहाँ प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर मानव किसी प्रकार का लेखन कला से जो था वो अनभिज्ञ था, कोई उसने वर्णमाला, कोई उसने भाषा, कोई भी उसने विकसित नहीं की। ताम्र युग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल में उसने कुछ लिपियों का आविष्कार किया, मतलब भाषा की शुरुआत हो गई, ठीक है। और इसका जो आद्य ऐतिहासिक का जो काल है वो है दोस्तों 3000 ईस्वी पूर्व
से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और तो इसकी खास बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर लिपि का ज्ञान तो हो गया मानव को, लेकिन वो जो लिपि थी वो आज तक हमें समझ में नहीं आई, मतलब वो आज तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि ये जो लिपि थी ये दोस्तों चित्रात्मक लिपि थी, इस तरह के कुछ इसमें चित्र होते थे, तो ये चित्र जो है आज तक भी जो हमारे विद्वान है, जो पुरातत्ववेत्ता है, वो इस लिपि को समझ नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइम है आपको ये ध्यान रखना है, और इसकी जो विशेषता है वो यही है कि लिपि का आविष्कार तो हो गया लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और तीसरा जो है 600 ईस्वी पूर्व के बाद, ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले से लेकर के और उसके बाद का जितना भी समय है वो सारा ऐतिहासिक काल में आता है, और ये इसका समय हो गया। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर लिपियाँ जो थी उन्हें पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता ये है कि जो हमारे जो जितने भी वेद पुराण रामायण महाभारत और ब्राह्मण साहित्य जैन साहित्य ये सब जो है वो सब इसी में लिखे गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, मानव जो था वो केवल पत्थरों से अपना काम चलाता था, उसके औजार केवल पत्थरों के होते थे, इसके अलावा वो यहाँ पर घर बनाना नहीं जानता था। धीरे धीरे इसी काल में पुरापाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल में आते आते उसने पशुपालन खेती वगैरह सब कुछ सीख लिया। तो यहाँ पर अब हम एक बार ये तीनों जो हमारे काल है इनके बारे में हम एक बार जल्दी से मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि अगर यदि आपने पिछली जो दो पार्ट है हमारे वो अगर नहीं देख पाए तो यहाँ पर फ़ायदा होगा आपको। देखिए यहाँ पर पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, तो इस पूरे काल को हम कहते हैं पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें हमारे देखिए एक तो भैया, अग्नि, पशुपालन और कृषि, ठीक है, ये सब इसी काल की देन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिपि नहीं थी, लिपि और भाषा यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद में हमारे एक छोटा सा समय आता है आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक के बीच में, जिसे हम धातुओं का जो काल है वो कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता और कांस्ययुगीन या लौहयुगीन। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें कुछ नहीं है इसमें विशेष, एक तो आपको ये समय ध्यान रखना है और इसमें लिपियों का ज्ञान तो हुआ लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ये इसमें ध्यान रखना है। और ऐतिहासिक काल में आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक तो समय 600 ईस्वी पूर्व के बाद का समय, और दूसरा जो है यहाँ पर जो जितने भी जो ग्रंथ वगैरह थे वो सब यहाँ पे लिखे गए, क्योंकि यहाँ लिपि का आविष्कार बड़े विकसित रूप में हो गया था और वो सब पढ़ी भी जा सकती है। तो ये इस प्रकार हमारा ये तीसरा पार्ट है और ये इतिहास का वर्गीकरण भी हमारा पूरा होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये ज़रूर विनती करूँगा कि दोस्तों अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो दो पार्ट है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक छोटा ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों जो है ये इसमें से कोई ज़्यादा सवाल नहीं होते, प्रश्न सारे ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं प्रागैतिहासिक काल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों का लिंक मिल जाएगा, और आगे हमारा जो कोर्स है इतिहास का वो चलता रहेगा, विशेषकर जो रीट परीक्षा है राजस्थान में और SSC इनके लिए ये इतिहास की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बार आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम मानव के विकास के बारे में जानेंगे, क्योंकि मानव जो था वो उसकी भी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।